एंड अगर मैं अपने बैकग्राउंड की बात करूँ सो आई एम फ्रॉम अ मेडिकल बैकग्राउंड है. आप मुझे कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेडिकल के बैकग्राउंड से? नाइस. तो मेरे मेडिकल के बैकग्राउंड से इफ यू आर थिंकिंग भाई मैं मेडिकल से हूँ लाइक मैं कैसे करूँगी, तो मैं सामने करूँगी. ठीक है, अभी आप लोगों को थोड़ा और पता चलेगा तो आप लोगों को अच्छे से आइडिया होगा फिर बाकी सारे चीज़ें. ओके, सो सबसे पहले तो जैसा मैंने बताया कि मैं एक डेवलपर हूँ, उसके अलावा जो है मैं कुछ कम्युनिटीज में डाल करती हूँ एंड आई हैव माय स्मॉल सॉफ्टवेयर हाउस एंड माशाल्लाह जो अराउंड 10 बंदे हैं जो कि मेरे अंडर काम करते हैं एंड आई एम दी ऑनर ऑफ ऑल ऑफ देम. थैंक यू. अच्छा, सो अगर हम बात करें आज की जो मेरी ऑडियंस है उसमें हम मैं देख सकती हूँ कि अराउंड 50% जो है वो लड़कियाँ हैं और 50% लड़के हैं. ठीक है, ऐसा बहुत कम होता है. आज पहली बार मेरी लाइफ में ऐसा होने जा रहा है. ठीक है, अच्छा कोई मुझे स्पेसिफिकली फीमेल्स के लिए प्रोग्राम है उसकी बात नहीं करें, बट जो अगर इस तरह की एजुकेट होते हैं उसमें ज़्यादातर मेल्स मुझे देखने को मिलते हैं, फीमेल्स नहीं मिलती. सही, इसका रीज़न क्या है? क्योंकि एक चीज होती है हमारी सोसाइटी में दैट इज कॉल्ड जेंडर गैप. पता है किसी को उसके बारे में जेंडर गैप क्या होता है? जेंडर गैप इस ये होता है कि हमारे यहाँ की जो फीमेल्स है ना, आज मैं बात करने वाली हूँ ज्यादातर फीमेल से करने वाली हूँ जो मेरी टारगेट ऑडियंस है. वैसे तो ऑब्वियसली सबसे करनी है, लेकिन जो आप लोग जो मेरे साथ बैठी है ये लोग आपको मेरी बात बहुत गौर से सुनिएगा एंड ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये टॉक आप लोगों के लिए. ठीक है, तो जब हमारी सोसाइटी में जो अभी जिस सोसाइटी से हम चुनाव करते हैं वहाँ पे क्या होता है कि भाई अगर आप लड़की हैं, आप छोटी हैं, आप बच्ची हैं, बचपन से हमें सिखाया जाता है बड़ों के लिए आप उन्हें डॉक्टर बनना है. ऐसा है या नहीं है कि डॉक्टर बनना है? और लड़कों को क्या कहा जाता है? इंजीनियर बनना है. ऐसा ही है. ठीक है, तो इसको कहते हैं जेंडर गैप. तो इसीलिए जो कंप्यूटर इंडस्ट्री है, जो टेक इंडस्ट्री है, उसमें फीमेल्स है ही नहीं हमारे पास. टोटल जो स्टैटिक्स है ना कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर और जो प्रोग्रामिंग है और उसकी इंडस्ट्री में, कोई अराउंड हमारे पास जो है 24% जो है वो लड़कियां हैं सर. पूरी लाइक आउट ऑफ 100% ऑब्वियसली 24% जो है वो फीमेल्स हैं, सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स, और बाकी जो है वो सारे मेल्स हैं. और ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ जेंडर गैप. ठीक है, अच्छा ये जेंडर गैप क्यों है अगर देखा जाए तो लाइक स्टडी से ये बात साबित है कि जो 22% स्टैटिस्टिक्स है वो ये कहती है कि जो वुमेन्स है ना वो मतलब ये सोचती है कि जो टेक इंडस्ट्री है ये मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री, आदमी काम कर सकते हैं, लड़की काम कर सकते हैं, लड़कियां नहीं कर सकती. ऐसा बहुत सारे और ऐसा ही मेरे सर्कल में भी इतने लोग हैं जो यही बात सोचते हैं. तो वो ना ब्रो कल्चर वो है, वो समझती लड़कियां कि ये जो हमारा टैग कल्चर है ये होता है ब्रो कल्चर, इस वजह से इसमें लड़कियां ज्यादा नहीं जाती. तो ये तो हो गया हमारे जेंडर गैप की बात और हमारे जो है इसकी बात टैग की बात. अब अगर हम बात करें कोई जो सक्सेसफुल इंडस्ट्रीज जो है आज हमारे ई कॉमर्स के बारे में किसको बोलते हैं? ई कॉमर्स इंडस्ट्री के बारे में किसको बोलते हैं? ई कॉमर्स होता है जैसे दराज, क्या ये ई कॉमर्स एप्लीकेशन है? क्या प्रोवाइड करता है आपको? ई कॉमर्स सर्विसेज देता है, राइट? कि आप अपने घर बैठे और आराम से कुछ भी ऑर्डर करें और आपके पास वो आ जाता है. ऐसे ही तो ई कॉमर्स अलीबाबा के बारे में किसको बोलते हैं? सबको पता है अलीबाबा क्या है? अमेज़न के बारे में सबको पता है. ठीक है, तो अलीबाबा जो है बेसिकली उनके जो सीईओ है जैक मा, राइट, वो खुद कहते हैं कि उनकी जो कंपनी है ना उसकी जो सक्सेस है उसका राज फीमेल्स, उसका राज जो है वो औरतें हैं. मतलब कोई ऐसा अपने जो बड़े सीईओ हैं वो अपनी कंपनी का जो सक्सेस स्टोरी है, सक्सेस का जो सीक्रेट है वो जो शो करते हैं, शेयर करते हैं, उसमें जो अलीबाबा इतनी बड़ी कंपनी है, चाइना की मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी है, वो ये कहते हैं कि उनकी जो इंडस्ट्री है और उनकी जो कंपनी है उसकी सक्सेस का राज
वॉट एवर. सो दैट इज द रीजन बिहाइंड सक्सेस ऑफ अलीबाबा. अच्छा, इसमें मेरे पास जो है टोटल काउंट भी है, बट ऑब्वियसली हमारे पास आज टाइम बहुत शॉर्ट है, तो इस वजह से मैं उसको नहीं इंक्लूड करूँगी. और इसके अलावा अब अगर मैं देखूँ मार्केट की बात करूँ कि जो हमारी फीमेल्स की मार्केट है, या फीमेल्स की नहीं सिर्फ टेक इंडस्ट्री में जो मार्केट है वो कितनी बड़ी है. एक प्लेटफॉर्म है दैट इज कॉल्ड नेटिफाई. ठीक है, नेटिफाई की उनकी कुछ अपनी ऑफिशियल कम्युनिटीज हैं, और उनकी जो कम्युनिटी है मैं हमारी एस एम आई टी प्रोग्राम की लड़कियां जो कि ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं.